मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। चोराटा थाना अंतर्गत मरहा गांव में बीती रात पिता पुत्र मोटरसाइकिल से जा रहे थे, मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर अंडे के ठेले से टकराई, बेटे के सर पर आई गंभीर चोट, जिसकी वजह से रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसको देखते ही मृत घोषित कर दिया। पिता पुत्र दोनों मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, कोहरे की वजह से मोटरसाइकिल अंडे के ठेले से टकराई, इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में लड़के की हुई मौत। हम आपको बता दें, प्रमोद साकेत पिता कालिका साकेत उम्र 23 साल मरहा थाना चौराहटा के रहने वाले थे। बीते दिन परिवार में बच्चे का जन्मदिन था। पिता पुत्र दोनों लोग जन्मदिन मनाने परिवार में गए हुए थे, वहां से देर रात खाना पीना खाकर लौट रहे थे। देर रात कोहरे की वजह से उनको सड़क के किनारे अपने ही गांव में खड़ा हुआ अंडे का ठेला नहीं दिखाई दिया। मोटरसाइकिल अंडे के ठेले से जाकर भिड़ गई। पिता कालिका साकेत को नाके बराबर चोट आई, वहीं प्रमोद साकेत के सर में गिरने की वजह से गंभीर चोट आई। तत्काल ही प्रमोद को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसको मृत घोषित कर दिया। पिता पुत्र घर में साथ निकले थे, उन्हें क्या मालूम था अंतिम बार दोनों साथ निकल रहे हैं। रात खाना खाकर लौटते समय कोहरे की वजह से उनको अपने ही गांव में सड़क के किनारे खड़ा अंडे का ठेला नहीं दिखाई दिया, जबकि ये लोग यहां से रोज ही निकलते थे और कई बार निकलते थे। मोटरसाइकिल अंडे के ठेले से जा टकराई, पिता को बिल्कुल चोट नहीं आई, वहीं पुत्र के सर के पिछले हिस्से में गिरने की वजह से चोट आई, जो उसके लिए घातक साबित हुई। परिजन तत्काल ही उसको लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको देखते ही मृत घोषित कर दिया। माना जा सकता है जिस तरीके से पिता पुत्र घर से साथ निकले थे, मोटरसाइकिल से निकले थे, अपने ही रिश्तेदारी में एक जन्मदिन की पार्टी थी, पार्टी अटेंड करने के बाद घर लौट रहे थे, लौटते समय रास्ते में अंडे का एक ठेला खड़ा था, ये ठेला यहाँ पर रोज ही लगा करता था। पिता पुत्र भी साथ में और अलग अलग इस जगह से कई बार निकला करते थे, लेकिन बीती रात उनको अंडे का ठेला नहीं दिखाई दिया, कोहरा ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनकी मोटरसाइकिल अंडे के ठेले से जा टकराई। पिता पुत्र दोनों वहीं पर गिर पड़े, पिता को बिल्कुल चोट नहीं आई, वहीं बेटे के सर के निचले हिस्से में चोट आई, जो उसके लिए घातक साबित हुई। परिजन तत्काल ही उसको लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको देखते ही मृत घोषित कर दिया। कालिका साकेत पेशे से ड्राइवर थे, साड़ी गाड़ियां चला लिया करते थे, फिर टू व्हीलर तो छोटी बात, कालिका जिंदगी भर इस सदमे को नहीं भूल पाएंगे। जब भी उनको मोटरसाइकिल दिखाई देगी उनको उनका बेटा याद आएगा। माना जा सकता है चौराहटा थाना अंतर्गत मरहा गांव में बीती रात एक दुखद हादसा हो गया। पिता पुत्र दोनों मोटरसाइकिल से आ रहे थे, मोटरसाइकिल अंडे के ठेले से टकराई, बेटे को सर में घातक चोट आई, जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई। अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले किया जा रहा था, तभी हमारी टीम ने प्रमोद साकेत के परिजन से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना था। इंद्र बहादुर सिंह नाम हुआ जी। ये लड़का की मौसी के यहाँ जन्मदिन रहा, न्यूता खाना उना खाए थी, चले जाते हैं घर मोटरसाइकिल से, एक वो खड़ा था क्या बोलते हैं अंडा उंडा का ठेला, खाली ठेला खड़ा था, उसी में गिरा कारण गाड़ी टकरा आ गई। लड़का पाछे बैठा रहा, बाप चला रहा था, वो गिरा है, उसके यहाँ सर में चोट लगी, लेके आए हॉस्पिटल, हम रहते घोषित कर दिए। आपके कौन थे? आपके कौन थे? वो उसका पिता हमारे यहाँ ड्राइवरी करता था, गाड़ी चलाता था, हम उसी गाँव में था। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।